इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन है जो लॉन्च तो 50,000 को हुआ था लेकिन अब सिर्फ 20,000 में मिल रहा है। आजकल 20,000 की प्राइस रेंज में आने वाले स्मार्टफोन्स उतने अच्छे नहीं होते। हम सब जानते हैं चिप शॉर्टेज की वजह से प्राइस हाइक हो चुकी है, लेकिन ये जो फोन है इसमें स्नैपड्रैगन 8 सीरीज वाला प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम, वायरलेस चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले और साथ में ऑक्सीजन ओएस भी है इसमें, क्योंकि ये है OnePlus 8 Pro और मैं इसको पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा आपको 2023 में ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी ये स्मार्टफोन सेकंड हैंड 20,000 का मिल रहा है और उससे भी कम में आप ले सकते हो थोड़ी बार्गेनिंग करके, 150 रुपया देगा। तो लुक्स वाइज ये फोन बेस्ट लगता है। अभी ये गिर के टूट गया है इस वजह से थोड़ा बेकार लग रहा है पीछे से, वैसे ये काफी अच्छा लगता है और हाथ में कंफर्टेबल फील होता है। जब भी आप इसको यूज करोगे तो इन हैंड फील आपकी काफी मस्त रहने वाली है। और सामने आपको मिलता है एक कर्व डिस्प्ले और ये कुछ ज्यादा ही कर्व है जिसकी वजह से एक्सीडेंटल टच भी होते हैं इसके साथ। बाकी इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट है, इंडोर और आउटडोर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, और डिस्प्ले के कलर्स भी बहुत अच्छे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। 4K स्ट्रीमिंग आप आराम से कर सकते हो इसके अंदर, तो डिस्प्ले में भी कोई इशू नहीं है। और हाँ, वायरलेस चार्जिंग एंड IP68 की रेटिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो 20,000 में आने वाले किसी भी फोन के अंदर आपको नहीं मिलती। और भाई कैमरा तो अल्टीमेट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी इससे फोटोज भी बहुत अच्छी आती हैं, अपने टाइम का ये एक फ्लैगशिप फोन था और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिस तरह का कैमरा आपको 30 से 35,000 के फोन में देखने को मिलता है उससे अच्छा कैमरा आपको ये अब भी ऑफर कर रहा है 2023 में भी, तो कैमरा वाइज ये बेस्ट है आज भी। अब अगर आप हो गेमिंग लवर तो भाई ये फोन है आपकी बंदी, क्योंकि इसके अंदर आप तगड़ी गेमिंग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है और ऑप्टिमाइजेशन भी कमाल की है और इसका सॉफ्टवेयर भी अभी तक काफी अच्छा है। ये एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, अभी इसके अंदर एंड्रॉयड 13 है लेकिन आगे आपको अपडेट नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ ही तक इसको अपडेट मिलेंगे और अपडेट नहीं मिलेंगे तो ग्रीन लाइन आने का इशू भी कम हो जाएगा भाई। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी क्लीन है, किसी तरह का कोई आपको ब्लोटवेयर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता, किसी तरह का कोई एड्स नहीं देखने को मिलते, जो ऑक्सीजन वैसा है इसके अंदर ये एक प्लस पॉइंट है इस फोन का, लेकिन अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके लिए अपडेट्स मायने नहीं रखते तो ठीक है, और ये 2 साल पुराना फोन है लेकिन अब भी इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा है। मेरी रिकमेंडेशन तो आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपका बजट लो है तो आप कोई भी एक 2 साल पुराना फ्लैगशिप फोन ले लो 15 से 20,000 की प्राइस रेंज में, क्योंकि आपको सभी फ्लैगशिप फीचर्स सस्ते में मिल जाते हैं जिनको बजट फोन में आते आते काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए कोई भी पुराना फ्लैगशिप फोन एक अच्छा ऑप्शन रहता है बजट में लेने के लिए। बाकी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।